Hello everyone, this is Monica and I welcome you to my channel Monica Academy. आज के वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर सिक्स मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट से इंपॉर्टेंट एक्ट क्वेश्चन आंसर प्लस पी वाई क्यूज विद आंसर इसी के साथ आपका इस चैप्टर का जो रिवीजन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा एंड इसके अलावा जितना भी आपका टर्म टू का सिलेबस है वो सभी चैप्टर में कंप्लीट करवा चुकी हूं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टर्म टू की प्ले का लिंक देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब दी चैनल एंड आल्सो हिट दी बेल आइकन तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन को की उसकी, उसकी सफलता में क्या रोल प्ले करती है यह आपको यहाँ पर बताना है और हाउ डिड इब्राइट हिम इन बिकमिंग इब्राइट की मदर ने उसकी साइंटिस्ट बनने में कैसे मदद की आंसर इज रिचर्ड्स मदर वॉज अ विजिलेंट पेरेंट हु कीनली ऑब्जर्व हर चाइल्ड आइडेंटिफाइड हिज इंटरेस्ट इन इनक्लाइनेशन एंड चैनलाइज हिज एनर्जीज इन द राइट डायरेक्शन रिचर्ड की मदर एक विजिलेंट पेरेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर थी वो बहुत ही ज़्यादा डीपली ऑब्जर्व करती थी अपने बच्चे यानी कि रिजल्ट को उन्होंने आइडेंटिफाइड किया उसके इंटरेस्ट को उनकी उसकी इंक्लाइनेशन यानी कि उसके झुकाव किस तरफ है इस चीज़ को उन्होंने बहुत गौर से देखा और इसके बाद जो रिचर्ड की एनर्जीज थी उसको उन्होंने बिल्कुल सही दिशा में लगाया शी ऑलवेज इंकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग एंड फाइंडिंग मोर उन्होंने हमेशा ही उसे सीखने और और अधिक चीजों को खोजने में जो उसका इंटरेस्ट था उसे इनक्रेज किया शी शिट्टो किम आउट ऑन ट्रिप्स वो उसे बाहर ट्रिप्स पर लेकर गई इनफैक्ट शी ऑल्सो बॉट हिम अ टेलीस्कोप अ माइक्रोस्कोप कैमराज माउंटिंग मटीरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स दैट हेल्प डेम इन मेनी वेज रिचर्ड की मदर ने उसे टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप कैमराज और माउंटिंग का जो मटेरियल्स होता है बाकी जो भी इक्विपमेंट्स उसे चाहिए थे, वो सब उसे दिलवाए और जिससे कि रिचर्ड को काफी ज्यादा मदद मिली शी देर सिग्निफिकेंट रोल इन द मेकिंग ऑफ़ अ साइंटिस्ट इस तरह से उन्होंने निर्माण करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्वेश्चन नंबर इज़

एसॉटमेंट का मतलब होता है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण तो इब्राइट के पास मोनाक बटरफ्लाइज फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म चट्टाने और कॉइन्स का एक बहुत ही ज्यादा अद्भुत वर्गीकरण था क्वेश्चन नंबर थ्री इज वट लेसन डिड इब्राइट लर्न वेन ही डिड नॉट विन एनी थिंग एट अ साइंस फेयर जब साइंस फेयर यानी कि विज्ञान मेले में इब्राइट को कोई भी प्राइज नहीं मिला वो कुछ भी नहीं जीता तो इस चीज से उसने क्या सबक सीखा आंसर इज वेन इब्राइट डिड नॉट विन एनी थिंग एट द कंट्री साइंस फेयर ही लर्ट दैट विनर हैड टू शो रियल एक्सपेरिमेंट्स एंड नॉट जस्ट अ सिंपल नीट डिस्प्ले जब कंट्री साइंस फेयर यानी विज्ञान मेला था और वहाँ इब्राइट ने कुछ भी नहीं जीता तो यहाँ से उसने सीखा कि जो विनर है उसे रियल एक्सपेरिमेंट्स को दिखाना होता है ना कि केवल एक साधारण सा, साफ सुथरा दिखने वाला प्रदर्शन देन ही स्टार्टेड कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स और इसके बाद उसने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए इट वॉज डेफिनेटली अ स्टेपिंग स्टोन टूवर्ड्स इज सक्सेस यह निश्चित रूप से उनकी सफलता की और एक कदम था His competitive nature, his extra effort in the will to win for the right reasons, made him a successful scientist. उसका कंपटीटिव नेचर, यानी प्रतिस्पर्धा वाला स्वभाव, इसके अलावा हर चीज को लेके एक्स्ट्रा एफर्ट करना और सही कारणों के साथ जीतने की इच्छा रखना, इन सब चीजों ने उसे एक सफल वैज्ञानिक बना दिया। Next question is, what rare achievement did Richard manage at the age of 22? बाईस साल की एज में रिचर्ड ने कौन सी ऐसी रेयर अचीवमेंट थी कौन सी ऐसी दुर्लभ उपलब्धि थी जो कि हासिल की आंसर इज रिचर्ड हैड अ रेयर ऑनर एट द एज दी टू बाईस साल की उम्र में रिचर्ड को एक रेयर यानी कि दुर्लभ ऑनर मिला ही रोट एन आर्टिकल विद हिज फ्रेंड अबाउट अ थियोरी ऑफ हाउ सेल्स वर्क उसने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर एक आर्टिकल लिखा था कि जो हमारे सेल्स होते हैं जो कोशिकाएं होती है वो कैसे काम करती है इस सिद्धांत पर उसने लिखा था The article was published in the scientific journal Proceeding of the National Academy of Science. उसका ये जो article था ये एक scientific journal में publish हुआ था जिसका नाम था Proceeding of the National Academy of Science. No one had this achievement at such a young age before him. इतनी कम उम्र में उससे पहले ये जो achievement है ये किसी के पास भी नहीं थी Question number फिफ्थ is, How did the travels of Monarch X prove a turning point in his life? ये एक बुक थी द ट्रैवल्स ऑफ मोनाक एक्स ये इब्राइट की लाइफ में कैसे टर्निंग पॉइंट साबित हुई आंसर इज रिचर्ड वॉज बोर्ड विद कलेक्टिंग बटरफ्लाइज एट दिस टाइम दिसम गॉड दुक द ट्रैवल्स ऑफ मोनाक एक्स फॉर हिम रिचर्ड बटरफ्लाइज को कलेक्ट करते करते बोर हो चुका था और उसी समय उसकी मदर उसके लिए एक बुक लेकर आती है जिसका नाम था द ट्रैवल्स ऑफ मोनाक एक्स आफ्टर रीडिंग द बुक ही स्टडी द माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज एंड इट ओपन दर्ड ऑफ साइंस टू हिम इस बुक को रीड करने के बाद उन्होंने जो बटरफ्लाइज का माइग्रेशन यानी उनका प्रवास था इसके बारे में काफी स्टडी किया इस बुक ने उनके लिए जो साइंस का वर्ड है जो विज्ञान की दुनिया है वो पूरी तरीके से खोलकर रख दी थी नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड रिचर्ड लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज रिचर्ड ने बटरफ्लाइज को टैग यानी कि उन्हें लेबल करने में अपना इंटरेस्ट क्यों खो दिया आंसर इज रिचर्ड रेज थाउजेंड्स ऑफ बटरफ्लाइज टैग देम एंड रिलीज दैम टू स्टडी देअ माइग्रेशन रिचर्ड ने थाउजेंड बटरफ्लाइज को पहले पाला उन्हें टैग किया यानी उन्हें लेबल दिया और उसके बाद उनकी माइग्रेशन यानी उनके प्रवास का अध्ययन करने के लिए उन सबको रिलीज कर दिया छोड़ दिया सबको बट सोन ही लॉस्ट इंट्रस्ट बिकॉज ओनली टू ऑफ हिस् टैक्ड बटरफ्लाई व रिटर्न टू हम एंड दे हैड ट्रेवल्ड ओनली सेवेंटी फाइव माइल्स लेकिन जल्दी ही उसने अपना इंटरेस्ट खो दिया क्योंकि उसकी टैग की गई सिर्फ दो ही बटरफ्लाइज जो हैं वो वापस उस तक पहुंची थी और उन्होंने भी सिर्फ 75 माइल्स की जो ट्रैवल है वो कंप्लीट किया था यानी जब उसने तितलियों को छोड़ दिया था तो वो वापस अपनी जगह पर चली गई और जब वापस उन्हें आना था तो उसमें से सिर्फ दो ही तितलियाँ हैं वो वापस उसके पास आई इसलिए उसने इस काम में अपना इंटरेस्ट खो दिया क्वेश्चन नंबर सेवनथ इज वट एक्सपेरिमेंट्स इन प्रोजेक्ट्स डेड यू ब्राइट अंडरटेक

उसने एक वायरल डिजीज का कारण खोजने की कोशिश की जो कि हर कुछ वर्षों में लगभग जितनी भी कैटरपिलर्स है उनको मार देती है इसके बाद उन्होंने एक इंसेक्ट मोनाक की खोज करने के लिए अपना रिसर्च का काम शुरू किया क्वेश्चन नंबर एट इज इन एडिशन टू साइंस अदर इंटरेस्ट ऑफ रिचर्ड साइंस के अलावा रिचर्ड के बाकी और क्या क्या इंटरेस्ट थे आंसर इज Other than science, Richard Ebright was interested in collecting rocks. कॉइंस एंड फोसिस एंड वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन स्टार गेजिंग एंड एस्ट्रोनॉमी साइंस के अलावा रिचर्ड एब्राइड को रॉक्स को कॉइंस को फॉसिल्स यानी जिवाश में इन सब चीज़ों को कलेक्ट करना पसंद था इंटरेस्ट था उनका इसमें इसके अलावा स्टार गेजिंग यानी कि तारों को देखना एंड एस्ट्रोनॉमी कहते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ सन मून स्टार्स एक्टेट्रा यानि कि चांद सितारों सन इन सब के बारे में स्टडी करना यह भी उन्हें काफ़ी पसंद था ही वॉज ऑल्सो गुड डिबेटर कैनोइट एंड एक्सपर्ट फोटोग्राफर इसके अलावा वो काफ़ी अच्छे थे कैनोइस्ट कहते हैं कैनो एक छोटी सी बोट होती है जो उसे चलाता है उसे कैनोइस्ट कहते हैं यानी वो बोट भी उन्हें काफ़ी अच्छे से चलानी आती थी एंड इसके साथ ही साथ वो एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे क्वेश्चन नंबर नाइन्थ इज मिस्टर वीरर पेज अ ग्लोइंग ट्रिब्यूट टू रिचर्ड व्हाट डिड ही से मिस्टर वीरर जो है वो रिचर्ड को एक ग्लोइंग ट्रिब्यूट मतलब एक शानदार ट्रिब्यूट देते हैं और वो क्या कहते हैं Answer is, Mr. Weirer was a bright social studies teacher. Mr. Weirer, who was a ke social studies teacher, te. he praised him for his brilliant mind, his curiosity, and a will to win for the right reason. मिस्टर वीरर ने इब्राइट का जो ब्रिलियंट माइंड था उसकी जो क्यूरियसिटी थी जिज्ञासा थी और सही कारणों के साथ जो उसकी जीतने की इच्छा थी इन सभी चीजों के लिए उसकी काफी ज्यादा प्रेज की तारीफ की ही ऑल्सो एडमायर्ड रिचर्ड फॉर हिज स्पिरिट टू डू हिज वेरी बेस्ट ऑल टाइम उन्होंने हर समय अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की जो उसके अंदर भावना थी इसके लिए रिचर्ड की काफी ज्यादा तारीफ की नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू वॉसराय बटरफ्लाईज कॉपी द मुनाक बटरफ्लाइज। जो वाइस राय बटरफ्लाइज होती हैं, ये मुनाक बटरफ्लाइज को कॉपी करने की कोशिश क्यों करती हैं? आंसर इज बर्ड्स इट वॉचराय बटरफ्लाइज बिकॉज दे टेस्ट गुड टू तो देम, वेयर इज मुनाक बटरफ्लाईज डो नॉट टेस्ट गुड टू तो दी बर्ड्स। जो वॉयसराइड बटरफ्लाइज़ होती हैं इनका टेस्ट बर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में जबकि जो मुनाक बटरफ्लाइज़ होती हैं इनका टेस्ट बर्ड्स को अच्छा नहीं लगता है सो द वॉइसराइज ट्राई टू तो कॉपी द मोनाक्स टू तो प्रोटेक्ट दैमसेल्स फ्राम द बर्ड्स इसलिए जो वॉयसराइज बटरफ्लाइज होती हैं ये मुनाक को कॉपी करने की कोशिश करती हैं ताकि बर्ड्स जो हैं वो उनको मोनाक समझ ना खाएँ क्योंकि बर्ड्स को मोनाक्स का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है इसलिए बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज जो है वो की कॉपी करने की कोशिश करती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉबीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वन लाइफ इलेबरेट दिस विद रेफरेंस टू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट हॉबीज जो होती हैं वो एक व्यक्ति की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के रेफरेंस में आपको इस लाइन को और ज्यादा इलेबरेट कर, कर बताना है आंसर इज रिचर्ड इब्राइट स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज एज अ हॉबी रिचर्ड इब्राइट ने जो बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू किया था वो एज अ हॉबी ही उसने शुरू किया था दिस लेट हिम टू रिसर्च एंड डिस्कवर मेनी थिंग्स और इसने उन्हें कई चीज़ों को रिसर्च करने और डिस्कवर करने के लिए प्रेरित किया हैंड्स हॉबीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हॉबीज़ होती हैं वो किसी के भी लाइफ में जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं

आंसर इज अकॉर्डिंग टू इब्राइट टीचर द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ बिकमिंग एंड हैव अ लॉट ऑफ क्यूरियसिटी इब्राइट के टीचर के अकॉर्डिंग जो एसेंशियल क्वालिटीज यानी कि आवश्यक गुण चाहिए आपको एक साइंटिस्ट बनने के लिए उसमें सबसे पहले आपका आता है अ फर्स्ट एट माइंड यानी कि एक प्रथम श्रेणी का दिमाग आपके पास होना चाहिए एंड इसके अलावा आपके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरिसिटी यानी चीजों को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए अलॉन्ग विदर्सन शुड हैव दील टू एक्सेल फॉर द सेक ऑफ डूइंग द बेस्ट जॉब इसके साथ ही उस पर्सन में बेस्ट काम करने का और एक बेस्ट पर्सन बनने का जोश होना चाहिए क्वेश्चन नंबर एनी टू ऑफ ए इब्राइड कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड ऑफ साइंस विज्ञान की दुनिया में इब्राइड के किन्हीं दो कॉन्ट्रीब्यूशन को आपको यहां पर मैंशन करना है आंसर इज इब्राइड डिस्कवर्ड ओ हॉर्मोन दैट वॉज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ अ बटरफ्लाई इब्राइट ने कैसे हार्मोन की खोज की जो कि बटरफ्लाई की ग्रोथ उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है हिज अदर कॉन्ट्रीब्यूशन था वो इस बात की स्टडी करना साबित हुआ की जो सेल्स है वो उनके डी को कैसे पढ़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू विच फील्ड ऑफ साइंस हैज रिचर्ड एच इब्राइट कॉन्ट्रीब्यूटेड रिचर्ड एच इब्राइट ने साइंस की कौन सी फील्ड में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया आंसर इज रिचर्ड एच ब्राइट इज वन ऑफ दीडिंग साइंटिस्ट हीस्टेड इन साइंस बॉयहुड रिचर्ड एच ईट जो थे वो प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक हैं उन्हें बचपन से ही साइंस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था ही हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू बायो केमिस्ट्री एंड मॉलिक्युलर बायोलॉजी उन्होंने बायोकेमिस्ट्री जिसे कि जैव रसायन कहते हैं एंड मोलिक्युलर बायोलॉजी जिसे कि आनविक जीव विज्ञान कहते हैं इसमें भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया क्वेश्चन नंबर फिफ्टींथ इज रिचर्ड्स मदर हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन हिम डिस्कस रिचर्ड की माँ का उन पर काफी ज्यादा प्रभाव था इस बात को आपको डिस्कस करना है और डिस्कस द रोल ऑफ एब्राइड्स मदर इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट इब्राइड को साइंटिस्ट बनाने में उनकी माँ का जो रोल रहा है उसको यहां पर आपको डिस्कस करना है आंसर इज रिचर्ड्स मदर प्लेड अ ह्यूज रोल इन मेकिंग हिम अ ग्रेट साइंटिस्ट रिचर्ड की मदर ने उन्हें एक ग्रेट साइंटिस्ट एक महान वैज्ञानिक बनाने में बहुत बड़ी और बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका जो है वो निभाई है शी वुड टेक हिम ऑन ट्रिप्स टू एनकरेज लर्निंग वो उनके सीखने को एनकरेज करना चाहती थी और इसके लिए वो उन्हें कई बार ट्रिप्स पर लेकर जाती थी ही वॉज अ सिंगल चाइल्ड वो उनका एक लौता बच्चा था आफ्टर हिज फादर डाइड हिज मदर मेड हिम ऑफ ऑफर लाइफ रिचर्ड के फादर की डेथ हो जाने के बाद उनकी मदर ने अपनी लाइफ का पूरा फोकस जो है वो रिचर्ड पर शिफ्ट कर दिया यानी उनका जीवन का जो केंद्र था वो रिचर्ड बन गया किसी और चीज़ पर उन्होंने फोकस नहीं किया शी वुड बाय हिम ऑल काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप्स टेलीस्कोप्स एंड अदर इक्विपमेंट वो उसके लिए हर प्रकार के माइक्रोस्कोप्स टेलीस्कोप्स जितने भी इक्विपमेंट्स चाहिए होते थे वो खरीदती थी आफ्टर डिनर शी गेव हिम प्रॉब्लम्स टू सॉल्व और रात का खाना खाने के बाद वो उसे प्रॉब्लम्स दिया करती थी सॉल्व करने के लिए This helped Richard to learn a lot.

सो दिस इज ऑल मोट दी क्वेश्चन आंसर्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा सो प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ टिल दिन बाय एंड टेक केयर